Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Attractive Economy Classes. तो जो आज की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 13 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. अब इससे जो प्रीवियस वीडियोस में हमने ये पढ़ा कि जो हमारे बाकी दो मेथड्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के दैट इज नंबर वन इज वैल्यू एडेड मेथड एंड नंबर टू इज इनकम मेथड. वैल्यू एडेड मेथड हमने अच्छे से पढ़ लिया है और जो हमारा नेक्स्ट मेथड है इनकम मेथड भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है. अब जिन लोगों को वैल्यू एडेड मेथड या इनकम मेथड सही से समझ में नहीं आया है वो इस वीडियो को पॉज करके पहले जाकर वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लें और इनकम मेथड पढ़ लें, उसके बाद इस वीडियो पे आगे एक्सपेंडिचर मेथड को वो पढ़ सकते हैं. ठीक. अब जितने लोग इस वीडियो में नए हैं या जितने लोग इस चैनल में नए जोड़ रहे हैं आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज लाइक कमेंट शेयर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए. तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का लास्ट मेथड दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड में हमने मेहनत किया, रॉ मटेरियल जोड़ा, मेहनत करने के बाद हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया. दूसरा था हमारा इनकम मेथड. इनकम मेथड में क्या हुआ? इनकम मेथड में मेहनत के बदले में जो हमको इनकम मिली है, जो हमें इनकम रिसीव हुई है, उसको लेकर हमने इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया. अब थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड मींस इनकम मिलने के बाद जो मैंने एक इंडिविजुअल ने जो एक्सपेंस किए हैं, ठीक है, उसने जो खर्चे किए हैं उन खर्चों को लेकर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होगा. ठीक. मींस कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? मींस अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर समड अप टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम. यानी कि एक कंज्यूमर ने फाइनल गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए उसने जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए हैं, ठीक है, सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़कर हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी दैट इज अवर नेशनल इनकम. ठीक. अब जितने एक्सपेंडिचर्स होंगे, ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हम करते हैं उनका सम टोटल, दैट मीन द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी. ठीक. यानी कि जो इसमें एग्रीगेट रहेगा, एग्रीगेट क्या रहेगा हमारा? जीडीपी एट एमपी. इनकम मेथड में क्या था? एनडीपी एट एफसी. वैल्यू एडेड मेथड में क्या था? जीपी एट एमपी. एंड जीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी. ठीक. अब देखते हैं जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे सारे एक्सपेंडिचर्स को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा हमारा जीडीपी एट एमपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ये क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. अब जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से होंगे? ठीक. जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू पहला हो गया हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज पीएफसीई, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसे? पीएफसी. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट इज इन शॉर्ट जीएफसीई. नंबर थर्ड इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन शॉर्ट जीडीसीएफ. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसको हम क्या कहेंगे? जीडीसीएफ. जीडीसीएफ के दो पार्ट होते हैं. नंबर वन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन शॉर्ट जीएफसीएफ एंड नंबर टू इज चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक सबको ही जानते हैं क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट. ठीक. अब देखते हैं नंबर वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में क्या कहेंगे? पीएफसी. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस खर्चे में, ठीक है, एक प्राइवेट यानी कि एक इंडिविजुअल ने क्या खर्चे किए हैं ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज मेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स ध्यान रखना, नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल गुड्स होता है, इंटरमीडिएट नहीं होगा. ठीक. नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब यह भी हो सकता है कि हमने कहा कि एक प्राइवेट ने या एक इंडिविजुअल ने
जो फाइनल गुड एंड सर्विस को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंसिव है, वैसे ही तो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, गवर्नमेंट ने जो खर्च की हो, बट ये नहीं कि गवर्नमेंट कोई ऑफिस है वहां पे अलमारी आ गई, लॉकर आ गया या सोफा सेट आ गया तो वो हो जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंस क्रिएट किए हैं, गवर्नमेंट ने जितने भी खर्चे किए हैं विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, गवर्नमेंट का मेन एम क्या है इसके पीछे, पहला हो गया सोशल वेलफेयर और दूसरा हो गया विदाउट द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लाइक एस जितने भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, उसके पीछे गवर्नमेंट ने जितने भी एक्सपेंस किए हैं वो आ जाएगा हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDC, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा। एक्चुअली ये जो एक्सपेंस होती है कौन करते हैं, इट इज मेड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज मेड बाय प्रोड्यूसर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री फॉर विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट होंगे, नंबर वन इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मींस वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर जो मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए की हैं। ठीक है, मींस कि दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर क्रिएटेड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, और दूसरा क्या हो गया हमारा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक सबको ही जानता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। थर्ड फोर्थ वन है हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, एक्स हो गया हमारा एक्सपोर्ट और एम हो गया हमारा इंपोर्ट। ठीक, तो जो अब जब हम इसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा GDP एट MPA। लेट्स सी, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या कैलकुलेट होगा, GDP एट MP। ठीक, सबसे पहले क्या आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज PFCE। नेक्स्ट आएगा हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज GFC। ठीक, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल। नेक्स्ट क्या था हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट वन क्या था हमारा, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कभी कभी क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट डायरेक्टली नहीं दिया होगा, एक्सपोर्ट दिया होगा, इंपोर्ट दिया होगा। तो क्वेश्चन में अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया होगा तो हम क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब इन बात चारों को हम जोड़ लेंगे, दैट इज PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो आ जाएगा हमारा GDP एट MP। अब GDP एट MP से कहां पे जाना होगा, दैट इज आवर नेशनल इनकम, एंड MP एट FCI में कैलकुलेट करना होगा। इक्विवेलेंट क्या रखेंगे, GDP एट MP। नाउ लेट्स डू आवर शफलिंग, ग्रॉस टू नेट माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA, P&P आर फिक्स नो चेंज, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देख लो एक बार, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, P&P आर फिक्स, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट दैट इज माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है, हो सकता है नेशनल इनकम ना कैलकुलेट करना, हो सकता है दूसरा एग्रीगेट हो NDP एट FC या फिर NDP एट MP। ठीक है, तो यहाँ से नेशनल इनकम ना होकर कोई और एग्रीगेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि जो हमारा लास्ट मेथड है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन से एग्रीगेट्स आएंगे, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, PFCE, GFCE, GDCF एंड द लास्ट वन वाज योर नेट एक्सपोर्ट। ठीक,
जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड के जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है, एक्सपेंडिचर मेथड के जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मोर देन 100 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व विद योर ओन। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स। और वीडियो को देखने के बाद प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए।